समय के हिसाब के नाल सरकारां आउंदियां जांदियां रहिंदियां ने, पर चोण मैनीफेस्टो के जो सरकारां दे वादे हुंदे ने वह अज तक पूरे नहीं कर सकियां सरकारां। असीं एक हफ्ते च नशा बंद कर देंगे, एक महीने के नशा बंद कर देंगे। जिहड़ियां तुसीं आ ताकतियां नौजवानां दे हत्थां देख रहे हो, ये अज के टाइम के किताबां इन्हां दे हत्थ च होणियां चाहीदियां सीगियां, पर सानू मजबूर करता सरकारां नलेकां सरकारां ने कि सानू आह ताकतियां लैके तुरना पै रहा वा। पिंडां दे विच लगातार चिट्टे दे नाल ड्रग्स दे नाल इंजैक्शन दे नाल मौतां हो रही ने, उन्हां जिम्मेवार कौन? असल है तो उन्हां जिम्मेवार सरकार ही है ना, क्योंकि सरकार ने जिन्ना चिर नशे के उपर पाबंदी नहीं ला सकती तो उन्ना टाइम नशे ते ठल नहीं पैनी। इस वास्ते असी पिंडां दे विच इक सरकार नूं सुचेत करन वास्ते, पिंडां दे विच नौजवानां नूं जागरूक करन वास्ते इदां दे उपराले कर रहे हैं। पंचायत दा भाई सहयोग किवें दा रहा, जिवें पंचायत अहम मुढ हों पिंड का, पंचायत का सहयोग किमें? नहीं, पंचायत का सहयोग वधिया जी साडे नाल, क्योंकि जिवें उन्होंने नाल गल हुई सी, मता पाया गया सीगा भी अहीं नशे वाले पिछे जावांगे नहीं छुड़ाउणा उन्हां नूं, जां भी जिवें बेच रहे आ तां उन्हां दे पिछे नहीं तुरांगे, तो उन्होंने साडा पूरा सहयोग दित्ता भी अज तक गए भी नहीं, जे कोई फड़े जांदे आ चिट्टे वाले तो उन्होंने पिछे उन्होंने छुड़ाउण नहीं गए। तुसीं देखो हर गली हर मुहल्ले दे विच तुहानूं दो चार नौजवान मुंडे नशे वाले मिलणगे मिलणगे, कल्ला चिट्टा ही नहीं बाकी होर भी जिहड़े सिंथेटिक नशे हैगे आ बहुत चल रहे ने। सरकार ने हजे पूरी तरह इत्थे कोई स्टैंड नहीं लिया। मैं थोड़े चैनल के जरिए सरकार को यही बेनती करना चाहुंदा भी जिहड़ा तुसीं वादा कीता सी उहनूं पूरी तरह सिरे चाढ़ो, ताकि जिहड़ी अपनी आने वाली नौजवान पीढ़ी आ इहनूं बचाया जा सके, इहनां नूं खेडां दे वल प्रेरित किया जा सके। साढ़े पिंड दे विच नशा बहुत वेकदा, पहला सब तो पहला नशा वेचण वालिआं दे नत्थ पाउणी चाहीदी आ, जे नशा वेचण वालिआं दे नत्थ पै गई तां फिर साढ़े पिंड चों नशा खत्म हो जूगा। नशा वेचण वाले पुलिस वालिआं नाल रले होए हुंदे आ, क्योंकि फिर वह पुलिस उन्होंने फड़ती नहीं, इस वास्ते नशा वेचण वालिआं दे नत्थ पाओ ते फिर ही पिंड दे विचों नौजवान नशा छड्डण गए। ये नौजवानों नशा छड्डण नहीं दिंदे, जिहड़े वेचदे आ ये बच्चों भी टॉफियां ते ला के जां ब्रिडां ते ला के नशा खवाउंदे आ। सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं पंजाब न्यूज़ चैनल पर, मैं सिमरजीत सधाणा। नशा चिट्टा पंजाब का एक अहम तो सीरीयस मुद्दा बनया होया, कई बार जिहड़ा सियासी मुद्दा हो निबड़दा, कई बार वोटां दे विच इस मुद्दे नूं छालिया जांदा, उस तो बाद दे विच इह मुद्दा सियासी मुद्दा बन जांदा। तां पण चड़ेक जिला मोगा दे विच असीं मौजूद हाँ, कुछ दिन पहला कमेटी मैंबर दे नाल धरना लाया गया सीगा, नौजवान की चिट्टे दे नाल मौत हुई सी, तीन नौजवान की मौत जिहड़ी पिंड चड़ेक दे विच चिट्टे दे नाल हो चुकी है। तो अज पिंड चड़ेक दे विच असीं फिर आए हाँ, तो जिहड़ा पहला रोस मार्च चिट्टे दे विरोध दे विच कीता जा रहा, तुसीं देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे जिहड़े इत्थे बच्चों ने शमूलियत की आ, वड्डी पद्धर ते जिहड़े नौजवान इत्थे पहुंचे हुए आ। तो गलबात करदे इन्हां दे नाल, नशे दे नाल पंजाब दीआं मावां दे जिहड़े पुत न्याएवार आ सिवां दी राख बणदे जा रहे आ। वड्डी पद्धर ते माझे दी गल कर लईए, मालवे दी गल कर लईए, दुआबे दी गल कर लईए, तां चिट्टे दा हर पासे जिहड़े पैर पसारे हुए आ। माझे दे जे पिछले चार साल की गल कर लईए तां 1300 नौजवान की चिट्टे दे नाल मौत हुई है। मालवे दे विच वड्डी पद्धर ते चिट्टे पैर पसार चुका है, सरकारां वल्लों इसका कोई हल नहीं किया गया, तो सियासी मुद्दा बन गया। तो गलबात करते हैं, छोटे छोटे बच्चे आने वाला भविख है, इन्हां दे हत्थां दे विच तख्तियां फड़ियां हुई ने, हत्थां दे विच किताबां होनियां चाहीदियां ने, वड्डे वड्डे नावल फड़े होने चाहिए ने, पर नशे नूं रोकण दे लई छोटे छोटे बच्चों के हत्थां दे विच तख्तियां फड़ियां हुई ने। तो समय दीआं जिहड़े समय समय ते सरकारां बणदियां रहियां ने, उन्हां दी नलायकी आ, त्रासदी आ, उन्हां दी नाकामयाबी आ नशे दे उपर। बेरोज़गारी वड्डी पद्धर दे यूथ आ जिहड़ा आए साल लक्खां दी गिणती दे विच बाहर नूं जांदा, ते कुछ यूथ रहिंदा पंजाब दे विच नशे ने खा लिया। वड्डे सवाल है कि पंजाब पहला वांगू खुशहाल पंजाब रह पाऊगा? धरती जहरीली होगी, नशा वड्डी पद्धर ते पंजाब दे विच आ। आपां गलबात करदे आ, तां अज रोस मार्च कर रहे हो तुसीं अज ते? हाँ जी हाँ जी। तुहाडे पिंड च कुछ दिन पहला इंटरव्यू कीती सी चिट्टे दे खिलाफ, तां हुण चिट्टा खत्म होया, किवें रुकिआ पहलां नूं? नहीं, पहला नालों थोड़ा घट है जी, रुकिया तो है नहीं गा जी। हाँ जी, ये संबंध के असी अज रखिया रोस मार्च, सुबह सैम कराए सैमीनार। हाँ जी, बनाता भाई जरा पंजाब के नशा जरा नशा लंबे समय तो बड़े लंबे समय तो बिक रहा है पंजाब के, किमें लगता कि खत्म हो पाऊगा? लोगों को जागरूक होना पैना। हाँ जी, लोग भी सहयोग देना, बाकी जिता है अपना पुलिस मुलाजम प्रशासन ये भी मदद करे, सारे के सहयोग के नाल ही हो सकता है। ਕਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਕੁਛ 30-40% ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਅੱਜ
इस मसले के अं रैली कढ़ रहे हैं कि पिंड होर भी साढ़े समर्थक बन साढ़े नाल लोग तुरन तो जो अं ये उपर रोक ला रखी है। पंचायत का बई सहयोग किमें दर है जिमें पंचायत अहम मुढ़ हों पिंड पंचायत का सहयोग किमें नहीं पंचायत का सहयोग वधिया जी साढ़े नाल क्योंकि जिमें उन्होंने नाल गल हुई थी मसा पाया गया है भी अं नशे वाले के पिछे जावे नहीं छुड़ा उन्होंने जी जिमें बेच रहे तो उन्होंने पिछे नहीं तुरंगे तो उन्होंने साडा पूरा सहयोग दिता भी अज तक गए भी नहीं जो कोई फड़े जाते हैं चटे वाले तो उन्होंने पिछे उन्होंने छुड़ा नहीं गए तो वधिया कमेटी बनाई जदों की असं उदों का साढ़े पिछे यानी कि पूरी सपोर्ट कर रहे हो पहले भी सेमिनार किया है ज रोस मार्च पहले भी किया रोस मार्च ये पहली रिव्यू कर रहे हैं जी पिंड देख दो छोटे छोटे बच्चे आ की करना है अज इत नशे खिलाफ नशे के खिलाफ तो वे पद्धर से जरा यह आने वाला भविख है साढ़ा आने वाला भविख है जरा यदा दा लगे हुआ जरा इन्हों का भविख है वह दा से लग्या हुआ समय दरकार की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि समय समय से सरकार ने वो बनदिया रही ने सियासी मुद्दा जरा सियासी रोटियां जी इस मुद्दे के उपर सेक दिया रही ने कितना कितना जीडिया सरकार ने उसको रोकने के फेल रही ने ताकि पंजाब जरा बड़ी निगारता वाल जा रहा कि मैं लगता भाई जरा पंजाब है आने वाला बच्चों के हाथों के तख्तियां तुम देख रहे हो फड़िया हुई ने हालांकि बड़े नाव वाले जो किताबा होनी चाहिए ने त्रासदी है सरकार की बहुत वड्डी नलायकी है सरकार की समय के हिसाब के नाल सरकार आउंदियां जांदियां रहिंदियां ने पर चोन मैनीफेस्टो के जो सरकार के वादे होंगे ने वो अज तक पूरे नहीं कर सकिया सरकार असी एक हफ्ते नशा बंद कर देंगे एक महीने के नशा बंद कर देंगे जिहड़ियां तुसीं तख्तियां नौजवानों के हत्थों देख रहे हो ये अज के टाइम के किताबा इन्हां दे हत्थ च होनिया चाहीदियां सीगियां पर सानू मजबूर करता सरकार नलायकां सरकार ने भी सानू आह तख्तियां लैके तुरना पै रहा वा इहदा एक बहुत वड्डा कारण आ क्योंकि जेडे कारपोरेट घराने वड्डियां कंपनियां वो पंजाब ते अटैक कर चुकियां ने हुण तक पंजाब ते साढ़े वेखण दे विच दो अटैक होए एक किसानी अंदोलन का अटैक क्योंकि उन्हां दा मेन एजेंडा आ पंजाब दी नसल ते फसल नूं खराब करना खत्म करना पंजाब दे विचों पहला उन्होंने हमला किया सीगा नसल ते नसल नूं बचाया गया दोबारा करता उन्होंने साडी फसल ते फसल नूं बचाया गया हुण असीं आपदे वल्लों पूरी कोशिश कर रहे हां भी पंजाब की जी नौजवानी जी पीढ़ी है जी अज किसी गलत कारण करके नशे की दल दल के फस चुकी है उन्हों बहर क्ढन वास्ते असी एक उपराला किया पिंड सैमीनार कैंप भी ला रहे हैं तो जागरूक रैलियां भी पैदल मार्च कर रहे हैं सो अगे पहला हों किताबा कंधा के उपर लिखा हों नशे के विरुद्ध पापा जी ना पियो शराब मैनू लिया दो एक किताब पर तुम ज़्यादातर खंभिया कैमरा मैन कहूँगा दिखायो भी लिखा होगा भी डैग साफ करने संपर्क करो आपो अपनिया वक् वक् एडवरटाइजमेंटा दती हुई खंभिया के उपर जिथे कि सूँ कुछ सीखने को मिलना सी उत्थे कुछ सूँ होर मिल रहा वा इसलिए साडा जिहड़ा हैगा भी असी कहने भी सरकारां तो नचा करो अपनी राखी आप करो कोई भी सरकार आ वादा करती है ठीक है उन्होंने वोटा लैनिया होंदिया उन्होंने कहना ही होंदा सरकारां तां सानूं विश्वास नहीं है सरकारां तां सानूं कोई विश्वास नहीं हैगा ठीक है सरकारां आपदियां काम करदियां असीं आपदा काम करदे आं साडी सरकारां भी तां असीं बनाईयां ने सरकार कोई उपरों तां बन के आई नहीं वह भी इन्हां भैण भरावां ने इन्हां लोकां ने रल मिल के सरकार बनाई आ पर साडा सरकारां ते उन्ना विश्वास नहीं जिन्ना टाइम वो पूरा काम करके नहीं दिंदियां क्योंकि जिहड़े चोण मैनीफेस्टो च वादे करदे ने उह तरीके ते उह डेट ते उह टाइम च पूरा नहीं कर पाउंदे उन्हां नूं चाहीदा हैगा भी जिहड़ा काम साल च पूरा होना असीं उह इह क्यों कहिंदे हुंदे भी असीं इक हफ्ते च पूरा कर देंगे महीने च पूरा कर देंगे हालांकि नवी सरकार बनी है चलो कुछ परसेंट फर्क पिया है इस चीज़ के बच्चे थोड़ा बदलाव आया क्योंकि सरकार बनी है लोगों ने बदलाव के भावना के नाल सरकार नूं चुनिया है बदलाव कुछ आया पर जे असी वेखिए जिहड़े चोण मैनीफेस्टो दे वादे किए सरकार ने उन्हां दा समा बहुत ज्यादा लंघ चुकिया क्योंकि असी किन्ना क टाइम सरकार की वेट करांगे किन्ना क टाइम हत्थ दे धरके बैठे रहांगे पिंडां दे विच लगातार चिट्टे दे नाल ड्रग्स दे नाल इंजैक्शन दे नाल मौतां हो रहियां ने उन्हां जिम्मेवार कौन असल है तो उन्हां जिम्मेवार सरकार ही है ना क्योंकि सरकार ने जिन्ना चिर नशे के उपर पाबंदी नहीं ला सकती तो उन्ना टाइम नशे ते ठल नहीं पैनी इस वास्ते असी पिंडां दे विच इक सरकार नूं सुचेत करन वास्ते पिंडां दे विच नौजवानां नूं जागरूक करन वास्ते इदां दे उपराले कर रहे हां जी मौजूदा सरकार आ जिहड़ी सरकार पहले भी इस मुद्दे के उपर बनदियां रहियां ने हालांकि जिहड़ियां पंजाब दियां मावां दियां कुखां ने उह बरान हो गईयां चिट्टे ने बरान करतियां पर जिहड़ी मौजूदा सरकार आ थोड़ा समा होया लगता कि जी पंजाब दे विच चट्टा खत्म कर पाऊगी जां लोकां नूं आपदे पद्धर ते जागना पैणा देखो जी कुछ फर्ज अपने आपदे हुंदे आ आपां नूं आपदे फर्ज भी पूरी चंगी तरह निभाउणे चाहीदे ने जे साडी सोसायटी दे विच कोई
गलत काम हो रहा वो देखो किसी एम एल ए ने आके जां किसी मंत्री ने आके तां वो सफाई करनी नहीं उत्थे साडा फर्ज बनता असी खुद आपदे ढंग तरीके नाल वो कम करिए क्योंकि सरकारां ने तां एक मैसेज देना हुंदा नशे नूं रोकण वास्ते ठीक है वो आपदा कम कर रहे हैं असी आपदा कम कर रहे हैं साडा जिहड़ा फर्ज आ सी उहदा फर्ज निभा रहे हैं असी आपदे पिंड लैवल ते पार्टी बाजू तों उपर उठ के एक सांझी संस्था तों सारे मतलब साढ़े नाल पंचायतां भी ने नौजवान मुंडे भी ने औरतां भी ने बजुर्ग भी ने जिहड़े कि चाहुंदे ने पिंड दे विच पिंड नहीं बाकी पूरे पंजाब दे विच आने वाली जिहड़ी नौजवान पीढ़ी अज्ज हुण इस टाइम पीढ़ी हैगी उहनूं बचाया जा सके इस वास्ते असी आपदा काम खुद आप कर रहे हैं। तो एम एल ए अमनदीप कौर अरोड़ा इत्थों सी उहनां नाल इंटरव्यू कीती सीगे महीने की गल आ वो कहते कि चिट्टा जिहड़ा हल्के दे विचों कि खत्म होने के कंडे आ पर जो धरातल की गल कर लीए धरती तो उतर उतर के देखिए तो चड़क पिंड के बच्चे तीन नौजवानों की मौत हो गई है चिट्टे के नाल तो तुम्हें क्यों लगता कि एम एल ए के बयानबाजा के बच्चे कितनी का सच्चाई है? बहुत ज़्यादा फर्क है जी क्योंकि एक तो असी दफ्तर के बैठ के गल कह देनी भी जिहड़ा चिट्टा हैगा कंडे हो खत्म होने के कंडे आ एक पिंड के जो असं विचरते हैं ग्राउंड लैवल से पता लगता पिंड की हो रहा वा तुसी देखो हर गली हर मोहल्ले दे विच तुहानू दो चार नौजवान मुंडे नशे वाले मिलणगे मिलणगे कल्ला चिट्टा ही नहीं बाकी होर भी जिहड़े सिंथेटिक नशे हैगे आ बहुत चल रहे ने सरकार ने हजे पूरी तरह इत्थे कोई स्टैंड नहीं लिया। मैं थोड़े चैनल के जरिए सरकार नू यही बेनती करना चाहुंदा भी जिहड़ा तुसी वादा कीता सी उहनू पूरी तरह सिरे चाढ़ो तां कि जिहड़ी अपनी आने वाली नौजवान पीढ़ी आ इहनू बचाया जा सके इहनां नू खेडां दे वल प्रेरित किया जा सके। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਬੰਨੀ? ਹਾਂਜੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਜਿੰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖੇਡ ਸਕਣ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂਗੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਭਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਦਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵਿਕਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੱਥ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਫੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਡਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਫਲ ਉਹੀ ਕਮਾਈ ਦੇਊਗੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਅਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸੀ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਢਿੱਡ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਾਈ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਮਾਈ ਉਹੀ ਵਫਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਵੇ ਨੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਪਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਆ
पिंड पद्धर की अपील आ, स्टेट पद्धर से अपील आ कि पंजाब सरकार इस मुद्दे के उपर छेती तो छेती क्योंकि कोई ना कोई स्टैंड आ जिहड़ा वो कायम कर पाए, नहीं तो पंजाब दे मावां दे पुत्तां दे जिहड़े लाशां ने वो पंजाब दे सिवां दे विच इस तरह बलदियां रहणगियां। मैं सिमरजीत सांगला कैमरामैन गुरशान दे नाल जुड़े रहो पंजाब न्यूज़ चैनल दे नाल, धन्यवाद।